सिद्धू मूसेवाला केस में अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हाँ, सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको अजरबैजान से पकड़ा गया है। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने ये वाकई में बड़ी सफलता हासिल की है। इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसका भांजा सचिन बिश्नोई को अब हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि लॉरेंस गैंग को सचिन ही बाहर से अब निर्देश देकर चलाता था। शुक्रवार को इस पूरे मामले में 1850 पन्नों का चालान जो है वो फाइल किया गया था, जिसमें 24 आरोपियों के नाम शामिल थे, जिसमें से 20 की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये कहा गया था कि इनमें से 4 जो है वो विदेश में है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बताया गया, जो इस समय पंजाब पुलिस की हिरासत में है। और जिन आरोपियों के विदेश में छुपे होने की बात सामने आई थी, उसमें आरोपी गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और लिजिन नेहरा के नाम शामिल थे। इस मामले में एसएसपी गौरव तोरा ने बताया था कि 34 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था। 24 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हत्या में शामिल जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु कुस्सा पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। तो अब इसमें जो एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, जो बिश्नोई गैंग को बाहर से निर्देश देकर चला रहा था, सचिन बिश्नोई, उसको गिरफ्तार किया है और उसको अजरबैजान से गिरफ्तार किया गया है।